अरविंद अब ये बताइए कि ये जो शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल पर लागू होंगी, क्या इन शर्तों को लेकर के वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अदालत में के आदेश में संशोधन के लिए, जिसे मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं, कि वो अर्जी वो लगा सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि चूंकि जमानत पर रहने के बावजूद सीएम पद के उत्तरदायित्व को निभाने में उनको दिक्कत हो रही है तो लिहाजा ये शर्तें हटा ले। हालांकि आप समझ सकते हैं कि सीबीआई के केस में 5 सितंबर को ऑर्डर रिजर्व हुआ तो एक सोचा समझा आदेश है ये और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है, लिहाजा कोर्ट इस पर पुनर्विचार करेगा या नहीं करेगा ये कोर्ट पर निर्भर करता है, इसकी संभावना कम ही है। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल के पास ये विकल्प है कि वो चाहे तो इसके लिए कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं और इसके लिए अर्जी लगा सकते हैं कि इन शर्तों को हटा लिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात और एक दिलचस्प बात ये कि जस्टिस सूर्यकांत ने तो जहां ये साफ कर दिया कि सीबीआई के केस में भी वो शर्तें लागू रहेंगी जो कि ईडी के केस में जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, दूसरी बेंच ने हालांकि वो लगाई थी, जस्टिस उज्जवल भुइया ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां तक ये कहना है कि फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे या सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे उन पर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये शर्तें लगाई गई हैं तो रह सकती हैं शर्तें। यानी शुरुआती तौर पर जस्टिस उज्जवल भैया इन शर्तों से सहमत नजर नहीं आए थे, लेकिन चूंकि इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना नहीं किया है, इसका मतलब ये कि सार रूप में ये कि ये शर्तें लागू रहेंगी और सीएम ऑफिस या दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल, फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे जब तक कि एलजी की तरफ से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी हो, और साथ ही वो एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी फाइल को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है अरविंद देखिए इसमें जो 5 शर्तें हैं वो भी दर्शकों को सीधे सीधे बता देते हैं कि वो शर्तें क्या, ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो जाए। पहली शर्त यह है कि सीएम दफ्तर या सचिवालय नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल, दूसरी शर्त यह है कि केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, केस में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह का कोई बयान मीडिया में नहीं देंगे, चौथी शर्त यह है कि घोटाले से जुड़े किसी गवाह से वो संपर्क नहीं करेंगे, पांचवी शर्त यह है कि शराब घोटाला केस से जुड़ी फाइल नहीं देखेंगे। अब इसमें से अरविंद अगर अब देखा जाए कि शराब घोटाला केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे, घोटाले से जुड़े किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, केस में अपनी भूमिका को लेकर बयान नहीं देंगे, यह शर्त तो समझ में आती है कि अगर किसी पर आरोप लगाए तो कम से कम ये शर्तें होती हैं अमूमन जमानत पर। लेकिन ऊपर की जो 2 शर्त है अरविंद, सीएम दफ्तर और सचिवालय नहीं जाना, केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, आपकारी नीति तो समझ में आती है, बाकी दूसरे विभाग की भी फाइल वो साइन नहीं कर पाएंगे बतौर मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, और इसी बात पर मेरी नजर थी कि जमानत मिल जाएगी लेकिन क्या शर्तें रहेंगी नहीं रहेंगी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब तक सीएम जेल के अंदर थे तब वो फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे, सीएम ऑफिस या सेक्रेटरीट जाकर के अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे थे, समझ में आता था। अब जमानत भी मिल जाए और फिर भी वो सीएम पद के दायित्व को ना निभा पाए तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें तो खड़ी करेगा, सवाल भी खड़ा कर सकता है विपक्ष इस मामले को लेकर के, और ये कह सकता है कि आखिर वो फिर सीएम पद पर क्यों है। हालांकि कानून की स्थिति बहुत साफ है, कानून ये कहता है कि जब कन्विक्शन होगा, जब कोई दोष सिद्धि हो जाएगी, तभी किसी को विधायक पद पर नहीं अयोग्य हो सकता और तभी वो मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी केस चल ही रहा है, सिर्फ आरोपी भर होने से वो सीएम पद को छोड़ दे ऐसी कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन जो शर्तें लगा दी गई हैं ईडी के केस में, यानी अरविंद अगर इसे एक लाइन में समझे, तो फिर अरविंद अगर इसे एक लाइन में समझे तो अरविंद केजरीवाल भले जेल से बाहर आ गए हैं लेकिन वो सीएम के दायित्व को नहीं निभा पाएंगे, अब तक बिना अरविंद केजरीवाल के जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि जैसा मैंने कहा कि वो अदालत के आदेश में संशोधन के लिए इन शर्तों को वैकेट कराने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये विकल्प उनके पास मौजूद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस विकल्प को अजमाएंगे भी। लेकिन जब तक ऐसा कोई राहत का आदेश नहीं आ जाता तब तक ये शर्तें लागू रहेंगी, और अगर ये शर्तें लागू रहती हैं तो ये साफ है कि इस केस में उनके जेल जाने के वक्त जो स्थिति थी कमोबेश वैसी ही स्थिति रहेगी उनकी जमानत पर बाहर आने के बाद भी, जहां तक कि सीएम पद के उत्तरदायित्व को निभाने की बात है। हाँ ये बात सर जरूर है कि जो राजनीतिक रूप से वो काम करना चाहते हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा है, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, सभी लोगों से मिल सकते हैं, पार्टी के अंदर जान फूंक सकते हैं, पार्टी को जो उनकी जरूरत है एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उसे निभा सकते हैं, लेकिन जहां तक सीएम पद का उत्तरदायित्व है उसमें मुश्किल आ सकती है। संशोधन में कि अभी कुछ संशोधन के लिए जो अर्जी डालेंगे उसमें शायद पहला यही होगा कि ठीक है आबकारी नीति से जुड़े फाइलों पर वो दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी दूसरे मामलों को तो देख सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री, दूसरे विभागों की फाइल तो देख सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री, दफ्तर तो जा सकते हैं वो।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही रहने यही होगा। अगर अदालत के आदेश में वो संशोधन की मांग करेंगे तो जाहिर तौर पर वो इसी राहत को मांगेंगे। और दिलचस्प तो ये रहा कि जस्टिस उज्जवल भुइया ने जहाँ कुछ रिजर्वेशन जाहिर किया, कहा कि ये शर्तें सही नहीं लगती, लेकिन फिर बाद में वो सहमत भी हो गए, तो इसका मतलब ये कि शर्तें कंटिन्यू रहेंगी। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था एक कैदी की समय से पहले रिहाई का, और कोर्ट को ये बताया गया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, वो फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस कैदी की समय से पहले रिहाई लटकी हुई है, यानी रिमिशन प्ली अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट को इस मामले में आर्टिकल 142 के तहत पावर का इस्तेमाल करना होगा, और केंद्र सरकार से कहा था कि वो स्थिति साफ करे कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए रिमिशन फाइल पर सिग्नेचर कर सकते हैं नहीं, या कोई कानून उनको ऐसा करने से रोकता है नहीं। तो कोर्ट के सामने बहुत बार ऐसे सवाल आ गए हैं जब वो जेल के अंदर थे, और कोर्ट के सामने बार बार सवाल ये भी इस बात को लेकर के भी उठे हैं चूंकि सीएम जेल में है इसलिए ये पर्टिकुलर काम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस तरह का मसला आया था। तो जब ये मामला बार बार उठते रहे हैं कोर्ट के सामने कि चूंकि सीएम जेल में है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, अब वो जेल से बाहर आ गए तब भी काम नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के सवाल उठेंगे कानूनी भी और सियासी तौर पर भी। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की कोशिश ये रहेगी कि इस मामले में वो फिर से कानूनी राहत के लिए कोर्ट का रुख करें। तो लीगल टीम ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया होगा, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने, कि जल्द से जल्द इसको लेकर के संशोधन के लिए, ऑर्डर पर संशोधन के लिए वो अर्जी दाखिल करें। हाँ बिल्कुल, आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं, वो अभी अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप ये भी मान लीजिए कि आज सीबीआई के केस में अगर कोर्ट ये कह देता कि बिना किसी शर्त के, इस तरह की बिना कोई शर्त के, कुछ शर्तें तो जाहिर तौर पर लगेंगी, लेकिन इस तरह की बिना कोई शर्त के जमानत दे रहे हैं, तब भी जो पुराना आदेश है ईडी के केस में अंतरिम जमानत का, वो तो लागू था, वो दूसरी बेंच का आदेश है। ऐसा तो नहीं है कि उस बेंच के आदेश को ही पलट देते जो आज जज ने फैसला दिया है, तो वो शर्तें तो फिर भी लागू थी, तो उन शर्तों के मुताबिक तो फिर भी अरविंद केजरीवाल अपने दायित्व को नहीं निभा सकते थे, फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, तो उन शर्तों को वेकेट कराने के लिए उन्हें फिर भी कोर्ट का रुख करना ही था। लेकिन अब तो यह हो गया कि दोनों ही केस में उनके पास, उनके लिए दोनों शर्तें हो गई हैं, जिसकी वजह से वो बंध गए हैं इन शर्तों के चलते कि वो फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। आगे क्या होगा, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे, क्या वो दोपहर तक आ पाएंगे क्योंकि अभी 11:15 बज रहे हैं, या फिर शाम हो जाएगी। शाम हो जाने की उम्मीद है, अभी ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में पढ़ा गया है, लिखित आदेश अपलोड होगा वेबसाइट पर। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जब जमानत का आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो ट्रायल कोर्ट जाता है, ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर जारी करता है, उसके बाद वो जेल अथॉरिटी के पास जाता है और फिर वहां से रिहाई सुनिश्चित हो पाती है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर देता है कि इस तरह से ट्रायल कोर्ट शर्त लगाएगा, और जो ट्रायल कोर्ट शर्त लगाने चाहे वो लगा सकता है, उसके बाद ये प्रक्रिया रहती है। अंतरिम जमानत का आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिख दिया था कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने बेल बोंड भरे जाएंगे, और ऐसे में ट्रायल कोर्ट जाने की जो बाध्यता थी, जो कानूनी औपचारिकता थी, वो पूरी नहीं हुई थी, पूरी होने की जरूरत नहीं थी, सीधे ऑर्डर की कॉपी मिल गई है क्या अरविंद केजरीवाल के वकीलों को? ऑर्डर की कॉपी मिल गई है या अभी उसमें समय लगेगा 1 घंटे का? अभी जब लिखित आदेश आ जाएगा उसको लेकर किस इस पहलू पर क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन जितना मैंने ऑपरेटिव पार्ट सुना है उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोर्ट ने भले ही 10-10 लाख के बॉन्ड की बात कही है, लेकिन ट्रायल कोर्ट से कहा है कि वो शर्तें लगा सकते हैं। अगर ऐसा है, लिखित आदेश में भी कमोबेश ऐसा ही आता है, तो फिर तो यही होगा कि ट्रायल कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रायल कोर्ट से ही फिर रिलीज ऑर्डर जारी होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले वकील से भी बात की, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, उसकी कॉपी ये ट्रायल कोर्ट तक जाएगी, ट्रायल कोर्ट से पूरी प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग जाएगा, यानी अगर अभी से हम 1 घंटे जोड़े तो लगभग 12:15 बजे, यानी कि दोपहर के 2.5 से 3 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, मैंने अभी जो अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम के वकील हैं उनसे बात की है, उनका भी यही कहना था कि ट्रायल कोर्ट ऑर्डर जाएगा। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि जब लिखित आदेश आ जाएगा तो इस पहलू पर बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि ट्रायल कोर्ट जाएगा या सीधे जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास जाकर के ही उनको बेल मिल जाएगी, जैसा कि अंतरिम जमानत जब मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो तब तिहाड़ निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सीधा जेल में। जो जेल में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो रिलीज ऑर्डर आता है अरविंद जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है, वो जेल नंबर 2 में है, रिलीज ऑर्डर फिजिकल और मेल दोनों के जरिए आता है?
बिल्कुल यहाँ से जो टीम है अरविंद केजरीवाल की, जैसा अमूमन होता है कि वो पहुंच जाएगी ट्रायल कोर्ट में, वहां पर बॉन्ड भरे जाएंगे। अगर ट्रायल कोर्ट की ही जज के सामने बॉन्ड भरे जाने हैं, वहां पर बॉन्ड और जो दूसरी औपचारिकताएं वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद सरकारी वैन से अक्सर या उसके जरिए भेजा जाता है रिलीज ऑर्डर, वो जाएगा तिहाड़ जेल। जो वकील होंगे उनकी लीगल टीम के, जाहिर तौर पर वो भी साथ होंगे, वो भी तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और उसके बाद जो है जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो पाएगा। तो इस प्रक्रिया को पूरा होने में मुझे लगता है कि शाम तक का वक्त लग जाएगा, तकरीबन 3-4 बजे तक का वक्त लग सकता है, उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। इस बात पर निर्भर करेगा कि लिखित आदेश कब तक आ जाता है इस मामले को लेकर। जी, और इसके बाद जो तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से, थोड़ी देर में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे आम आदमी पार्टी। इसके बाद अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाते हैं, अपने आवास में जाते हैं, या सीधे हनुमान मंदिर जाते हैं, सीपी वाले हनुमान मंदिर। अरविंद, बिल्कुल प्रत्युष जी, जी प्रत्युष, ये देखना होगा। हालांकि उनके लिए राहत की बात है, और एक और महत्वपूर्ण बात, तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो आपने संशोधन वाली बात कही अरविंद, इस पर तो आम आदमी पार्टी आगे मूव करेगी, और हो सकता है कि शायद इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद 1 या 2 दिन के भीतर इस ऑर्डर में संशोधन के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटाए तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके पास ये राहत का विकल्प है। एक और बात जो उनके पक्ष में जा रही है वो ये कि जस्टिस उज्जवल भुइया की राय सीबीआई के केस में गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस सूर्यकांत से एकदम अलग है। जस्टिस सूर्यकांत जहां गिरफ्तारी को वैध ठहरा रहे हैं, जस्टिस उज्जवल भुइया ने बहुत सख्त शब्दों में सीबीआई की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका यह कहना है कि ईडी के केस में जो अंतरिम जमानत मिली थी उसको खत्म करने के लिए, उस राहत को खत्म करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की।